महेंद्र सिंह धोनी ने साल 2004 में जब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कदम रखा था तो उस समय टीम इंडिया में मोहम्मद कैफ अपने करियर के शिखर पर थे, लेकिन कैफ ने एक दो साल में ही टीम इंडिया में अपनी जगह खो दी, जिसके बाद वो कभी वापसी नहीं कर पाए। दरअसल मोहम्मद कैफ ने एक बार एक इंटरव्यू में एक वाक्य सुनाया जब उन्होंने पूरी भारतीय टीम को अपने घर पर डिनर के लिए इन्वाइट किया था। कैफ ने बताया कि 2006 में नोएडा में मैंने सभी भारतीय क्रिकेटरों को अपने घर पर खाने के लिए बुलाया था, लेकिन मैं सचिन और गांगुली जैसे बड़े क्रिकेटरों के साथ व्यस्त था, जिसकी वजह से धोनी जैसे युवा खिलाड़ियों को मैं ठीक से अटेंड नहीं कर पाया। कैफ ने कहा कि मैं उस समय बहुत नर्वस था जब सचिन और गांगुली जैसे बड़े क्रिकेटर को मैंने डिनर के लिए बुलाया था, साथ में तत्कालीन कोच ग्रेग चैपल भी मौजूद थे। मुझे लगा कि कैसे उनको मैं अटेंड कर लूँ, मेरा सारा ध्यान सचिन और गांगुली जैसे दिग्गजों की मेजबानी में था। कैफ ने बताया कि धोनी और रैना सहित अन्य युवा खिलाड़ी अलग कमरे में बैठे थे, लेकिन मैं सीनियर खिलाड़ियों के साथ व्यस्त था। मैं युवा खिलाड़ियों पर ध्यान नहीं दे पाया, जो धोनी को शायद अच्छा नहीं लगा। कैफ ने हंसते हुए कहा कि इस वजह से 2007 में धोनी जब कप्तान बने तो मैं टीम में वापसी नहीं कर सका। वो हमेशा मुझे याद दिलाते रहते हैं कि जब वो घर आए थे तो मैंने उनका अच्छे से ध्यान नहीं रखा था। कैफ ने मजाकिया अंदाज में कहा कि शायद तब धोनी के कप्तान बनने से पहले उनको ठीक से बिरयानी नहीं परोसना भारी पड़ गया। कैफ ने बताया कि तब धोनी ने उन्हें मजाकिया अंदाज में ताना मारते हुए कहा था कि जब वो घर आएंगे तो उनका ध्यान नहीं रखेंगे। बड़ी बात यह है कि भले ही महेंद्र सिंह धोनी अब भारत के लिए खेलना बंद कर चुके हों, लेकिन एक बात तो तय है कि मोहम्मद कैफ का करियर महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में ही खत्म हुआ। ANP टाइम्स की रिपोर्ट।